तो गाइज, वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत सारी स्किन पैक्स पड़ी है, 5D के स्किन पैक्स के और भी टाइप्स है, केप्स के और भी टाइप्स है, कॉस्मेटिक्स के और भी टाइप्स है, पर मैं इसको हर बार यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर सकता। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, उधर सारी लिंक्स आपको मिल जाएगी। हर एक दो दिन में मैं अपलोड करता रहूँगा नई नई लिंक्स, तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना, उधर ये इस वीडियो के भी लिंक्स मिल जाएगी और एक्स्ट्रा और भी आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे अर्ली एक्सेस मिलेगा वगैरह वगैरह, तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना। तो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, और आज मैं लेकर आया हूँ एक एनिमेटेड 5D स्किन पैक। तो गाइज, इस स्किन पैक में 860 से भी ज़्यादा 5D स्किन्स हैं, और इसमें कुछ कुछ स्किन्स तो एनिमेटेड हैं, जैसे कि एंडर ड्रैगन, फैंटम, ब्लेज और बहुत सारे और स्किन्स भी है। अगर गाइज आपको इसको डाउनलोड करना, आपको पूरी एंड तक वीडियो देखनी होगी, क्योंकि इसका प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर ईजी है अगर आप पूरी वीडियो एंड तक देखोगे। तो गाइज, सबसे पहले देख लेते कि हमारी स्किन्स एक्चुअल में दिखती कैसी है, पर मैं सारी कवर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत सारी है। और गाइज, ये स्किन्स मल्टीप्लेयर में भी वर्क करेगी और कुछ सर्वर्स में भी काम करेगी। तो गाइज, 5D एनिमेटेड स्किन पैक को डाउनलोड करने के लिए जितने भी डाउनलोड लिंक्स है ना, वो मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पे मिलेगी। आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना और उधर एक चैनल का नाम होगा #5DAnimated, उधर क्लिक करके आपको सारी लिंक्स मिल जाएगी जो भी रिक्वायर्ड है। और अगर आप डिस्कॉर्ड सर्वर लीव नहीं करते ना, जितने भी मेरी आने वाली वीडियोज़ की जो भी लिंक्स होगी ना, उसकी अर्ली एक्सेस आपको मिलेगी एक दिन पहले ही। तो डिस्कॉर्ड लीव मत करना मेरे सर्वर, और ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी। गाइस, एनिमेटेड स्किन पैक डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से ZArchiver नाम का आपको ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दी होगी, आप उधर से भी डाउनलोड कर सकते हो। फिर आपको करना कि आपको डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना है। डिस्कॉर्ड ज्वाइन करने के बाद मैंने एक चैनल का नाम होगा 5D एनिमेटेड स्किन पैक, उसमें जाके आपको दो लिंक्स मिलेगी, एक तो लोडिंग बाईपास की होगी और एक माइनक्राफ्ट की होगी, मतलब APK लिंक होगी। आपको दोनों को डाउनलोड करना है पर इंस्टॉल नहीं करना है। दोनों को डाउनलोड करके एक सेपरेट फोल्डर में रख देना है, जैसे मैंने रखा हुआ है, और आपको ZArchiver ओपन करके ये करना है। फिर आपको करना कि आपको जो ये APK फाइल है ना, उसके ऊपर आपको एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको देखिए इंस्टॉल का बटन दिख गया, इंस्टॉल दबाना है आपको, तो इसको इंस्टॉल होने देना है, लेकिन इसको ओपन बिल्कुल मत करना इंस्टॉल होने के बाद। तो देखिए इंस्टॉल हो गया है, तो अभी आपको डन दबाना है, ओपन नहीं करना है। डन दबाने के बाद आपको बैक आ जाना है, फिर आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको मैनेज ऐप्स आपको ढूंढना है, तो ये रहा मैनेज ऐप्स। मैनेज ऐप्स में आपको ढूंढने के बाद आपको ढूंढना है माइनक्राफ्ट। माइनक्राफ्ट ढूंढने के बाद आपको देखिए ऐप परमिशंस का ऑप्शन मिल रहा है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना। देखिए फाइल्स एंड मीडिया आपको दिख रहा है ना जो डिनाइड में है, उसके ऊपर आपको क्लिक करके अलाउ मैनेजमेंट ऑफ ऑल फाइल्स करके बैक आ जाना है, तो ये अलाउ हो जाएगा।
फिर आपको वापस अपने जेड आर्चीवर में आना है। जेड आर्चीवर में आने के बाद आपको जो लोडिंग बाईपास की जो फाइल है ना उसके ऊपर आपको होल्ड क्लिक करना है। होल्ड क्लिक करने के बाद आपको जो डॉट जिप है ना ये इसमें, तो उसको निकाल के लोडिंग बाईपास डॉट एम सी पैक ही रहना है और कुछ नहीं रहना है। फिर आपको ओके कर देना है। फिर आपको करना क्या, इसके ऊपर वापस एक बार क्लिक करना है। फिर आपको देखिए व्यू का बटन दिख रहा है ना ऊपर फर्स्ट वाला, उसके पास देखिए एक छोटा सा एरो है राइट में, वो आपको क्लिक करना है। तो वो दबाने के बाद ये आपका माइनक्राफ्ट ही ऑटोमेटिकली ओपन कर देगा, आपको उसको ओपन होने देना है। तो गाइज माइनक्राफ्ट ओपन होने के बाद ये आपको फाइल्स मूव करने का कुछ पूछेगा, तो आप कर लेना क्योंकि ये नया अपडेट आया तो यही पूछता रहता है हर बार, मालूम नहीं क्यों। तो हम कर लेते हैं। तो देखिए फाइल्स मूव हो गए, आप भी ये कर लेना। फिर ये वापस आपको रीस्टार्ट करने के लिए बोलेगा, तो आप रीस्टार्ट भी कर लेना। तो अभी वापस रिस्टार्ट करते हैं। ओके ये हो गया। अभी आपको ड्रेसिंग रूम में आना है, ये जो देखिए आपको आपके कैरेक्टर के नीचे जो है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर आपको ये लोड होगा, इसको लोड होने देते हैं। अगर आपका लोड नहीं होता, आपका ये क्रैश कर जाता है या कुछ भी होता है ना, तो आपको करना क्या है, सिंपली आपको एक बार दो बार रिस्टार्ट कर लेना है। फिर आपको ये देखो ये डस्टबिन का जो बटन दिख रहा है ना ये आपको मिल जाएगा, या तो आपको क्रिएट कैरेक्टर का बटन दिखेगा, आप उसमें से कुछ भी चूज़ कर सकते हो। तो अभी मैं आपको एग्जांपल की तरह दिखाता हूँ कि कैसे आएगा। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, तो देखिए ये ऐसा कुछ आएगा, या तो डिलीट का आएगा या तो क्रिएट कैरेक्टर आएगा। तो मेरे लिए क्रिएट कैरेक्टर आएगा, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। फिर आपको देखिए ये जो सेकंड ऑप्शन है ना इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर आपको ये जो ये फर्स्ट ऑप्शन है ना ओन्ड ओन्ड क्लिक करना है। फिर आपका थोड़ी देर ये स्टक हो जाएगा, मतलब हैंग हो जाएगा, पर वो सिर्फ 10 सेकंड के लिए होगा। फिर आपका स्किन पैक लोड हो जाएगा, वो लोड होने के लिए वो ऐसा होता है। फिर आपको ये प्लस 865 जो दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना, तो आपकी सारी स्किन आपको मिल जाएगी। तो एनिमेटेड के लिए आपको मैं दिखाता हूँ, ये वाली एनिमेटेड है, ये जितने भी है ये वाली। फिर मेन जो एनिमेटेड वाली है ना वो नीचे है, आपको पूरा नीचे स्क्रोल करना है। तो मैं करता हूँ भाई, आ जा। हाँ देखिए पूरा आ गया। तो देखिए ये वाली है, ये फैंटम, देखिए सब एनिमेटेड ही है। एंडर ड्रैगन भी एनिमेटेड है इसका, देखिए पूछ हिल रही है, विंग्स हिल रही है। और ये फिर ब्लेज भी इधर ही है शायद, किधर है, हाँ ये रहा। एक तो ये है और ये भी है, और ये रही ब्लेज, और ये रहा ब्लेज, और ये स्नोबॉल वाला है। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ एक और चीज़ भूल गया मैं बताना आपको, आपको स्किन चूज़ करने के बाद आपको ये जो इक्विप का बटन दिख रहा है ना वो आपको क्लिक करना है, तभी ये स्किन लगती है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। और अगर आपको सारी लिंक्स चाहिए और कुछ भी हेल्प चाहिए डाउनलोड के रिगार्डिंग, तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना, आपको वापस अर्ली एक्सेस भी मिलेगा। जो भी नई नई लिंक्स होगी मैं सब अर्ली एक्सेस में भी उधर दूंगा एक दिन पहले, तो प्लीज़ डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना। तो गुड बाय।